खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। हरदोई के बगोली थाना क्षेत्र के गुमराई निवासी युवक की हत्या का मामला सामने आया है। 38 वर्षीय अजीज पुत्र इश्तियाक अली की रात में गला रेतकर पत्तापुरवा के पास हत्या का शव फेंके जाने की आशंका परिवार जनों द्वारा जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार अजीज पेशे से ट्रक ड्राइवर थे। मृतक अजीज की 4 बेटी व 1 बेटा है। पत्नी के मुताबिक रात करीब 9 बजे पति से बात हुई तो बताया कि बगोली चुराए आ गया हूँ। उसके कुछ देर बाद पुनः फोन मिलाने पर स्विच ऑफ बताने लगा। काफी खोजबीन के बाद सुबह मृत अवस्था में शव पड़ा पाया गया। सूचना मिलने पर परिवार जनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर बगोली पुलिस जांच में जुटी है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बगोली थाना अध्यक्ष ने बताया कि परिवार जनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जाएगी। घटना में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। ट्रक ड्राइवर की गला रेतकर हत्या की आशंका से इलाके में हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस के मुताबिक किसी अज्ञात वाहन के टकराने से युवक की मौत हुई है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अनिल कुमार यादव ने बताया कि बॉडी को देखने से एक्सीडेंट का मामला लग रहा है, लेकिन सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। थाना बगोली क्षेत्र में बगोली और माधोगंज मार्ग पर ग्राम कुत्तुपुरवा में आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची, उसकी शिनाख्त अजीज सनाफ इश्तियाक निवासी भूरा मई के रूप में हुई है, जिसकी उम्र लगभग 38 साल है, जो ट्रक ड्राइवर है और कल शाम को हरदोई से अपने घर जा रहा था। प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि एक्सीडेंट का मामला है, लेकिन मौत के सही कारण जानने के लिए बॉडी को पीएम कराया जा रहा है। जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजन आरोप लगा रहे हैं, हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पीएम कराया जा रहा है, उसमें जो भी कारण आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।